इसकी पुष्टि हो गई है, प्रियंका चोपड़ा सलमान खान की भारत में शामिल होंगी। प्रियंका चोपड़ा भारत की भूमिका में शामिल हैं, सलमान खान अभिनीत। व्यस्त स्टार प्रियंका चोपड़ा ने आखिरकार अपनी अगली बॉलीवुड प्रोजेक्ट को चुना है, यह अली अब्बास जफर ने भारत का निर्देशन किया है, जिसमें सलमान खान भी हैं और अतुल अग्निहोत्री और भूषण कुमार द्वारा निर्मित किया जाएगा। प्रियंका ने कहा, मैं इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा हूं और काफी समय बाद सलमान और अली के साथ काम करना शुरू कर रहा हूं। मैंने पिछले सहयोगों में उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है और यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि यह क्या रॉफ करना है, प्रियंका ने कहा एक बयान में। समाचार एजेंसी पीटीआई की सूचना दी, सलमान खान लगातार कुछ समय के लिए अपनी फिल्म रिलीज के लिए ईद स्लॉट की बुकिंग कर रहे हैं और भारत कोई अपवाद नहीं होगा। यह अगले साल ईद पर स्क्रीन पर हिट करने के लिए तैयार है। जय गंगाजल के बाद यह प्रियंका की पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। प्रियंका भारत के लिए क्वांटिको को छोड़ सकता है, अगले साल ईद पर भारत की रिलीज होगी। यह 2016 की जय गंगाजल के बाद प्रियंका चोपड़ा की पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। प्रियंका ने अपने बयान में कहा, मैं अलवीरा और अतुल और भारत की पूरी टीम के साथ काम करने के लिए भी उत्सुक हूं। मेरे सभी शुभचिंतक जो बहुत धीरज और सहयोगी रहे हैं, अपने निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रियंका और सलमान मुझसे शादियों के करोगी सलामी, इश्क और भगवान तुसी ग्रेट हो के सह कलाकार हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने पहले गड़े में प्रियंका को निर्देशित किया है, ने उन्हें बोर्ड पर लाने का निर्णय समझाया। व उन्होंने कहा, प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी भारतीय कलाकार हैं और वह फिल्म के लिए एकदम सही फिट हैं। प्रियंका ने फिल्म के बड़े और भी अधिक वैश्विक स्तर को बनाने के लिए उत्कृष्ट अभिनय और अविश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय अपील की शुरुआत की है। प्रियंका के चरित्र को फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पर उत्प्रेरक के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने कहा, हमें एक अभिनेता की जरूरत थी जो इसे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर सके। निर्देशक और निर्माता ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए न्यूयॉर्क में प्रियंका से मुलाकात की और वह तुरंत बोर्ड पर कूद गई। सलमान खान लंदन में भारत के सेट पर पहले से ही हैं और निर्देशक ने इंस्टाग्राम में हाल ही में लिखा है, एक आदमी और राष्ट्र की यात्रा का एक साथ। अली अब्बास जफर ने भी शूट के पहले दिन से एक फोटो साझा की और एक तरह से भारत के लिए सलमान के नजर आने का खुलासा किया।